हेलो नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य सीमा गुप्ता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नंबर वन की। जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को या फिर 19 तारीख को हुआ है तो उनका नंबर बनता है 1। नंबर वन की खासियत क्या है, नंबर वन वाले लोग कैसे होते हैं, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। नंबर वन रिप्रेजेंट करता है सूर्य ग्रह को, हम उसको सूर्य का नंबर भी कहते हैं। अब नंबर वन सबसे पहले आता है और सूर्य ग्रहों में भी सबसे पहले आता है, ग्रहों में उसको राजा कहते हैं। तो नंबर वन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, सूर्य के जैसे होते हैं, तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के होते हैं। ये लोगों के दबाव में काम नहीं करते हैं, ना ही किसी के दबाव में आकर काम करते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादातर ये नौकरी नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर राजनीति में देखे जाते हैं। अच्छे जो डॉक्टर होंगे, अच्छे सर्जन होंगे, वो नंबर एक वाले होंगे। अच्छे जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, वो भी नंबर एक वाले होंगे। मतलब ये जो ज्ञान, बुद्धि और शौर्य की बात आएगी तो ये नंबर एक वाले व्यक्ति होंगे। ये जल्दी किसी की बातों में नहीं आते हैं। ये घर में ज़्यादातर बड़े पाए जाते हैं कि पहली संतान होगी वो नंबर एक वाली होगी। उनके सर के ऊपर लॉट्स ऑफ जिम्मेदारियाँ, मतलब ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, घर में सबका ख्याल रखते हैं। और सबसे अच्छी जो इनकी चीज़ ये होती है कि ये अपनी बुद्धिमानी से, अपने एक राजनीतिक के दिमाग से लोगों का भला करते हैं। ज़्यादातर ये मिडिल एज में 40-45 के बाद ये जो है वो समाज सेवा करना पसंद करते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोगों के लिए वो जब जाए इस दुनिया से तो सोचते हैं कि वो कुछ करके जाए, यानी वो अच्छे सोशल वर्कर भी होते हैं। तो अगर आपका नंबर एक है तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि 9 ग्रहों में सबसे जो दो ग्रह हमको दिखते हैं वो कौन से, सूर्य और चंद्र। तो नंबर एक वाले जो व्यक्ति हैं या जातक हैं उनको सूर्य, उगते हुए सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, उनको जल समर्पित करना चाहिए। जल नहीं दे सकते हैं तो उनको सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी वो जितनी ज़्यादा सूर्य के नज़दीक रहेंगे, सूर्य के किरणों का उपयोग करेंगे, उनका भी तेज उतना ही तेजस्वीवान बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैंने आज आपको बताया है कि एक नंबर वाले कैसे होते हैं। तो यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और क्या आप देखना चाहते हैं, क्या मैं आपके साथ में शेयर करूँ, वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।